स्वागत और अभिनंदन। कई सारे जो हनुमान जी के भक्त हैं उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है कि हनुमान जी की सिद्धि कैसे करें। खास तौर पे जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों की बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, तो एक मैं आपको छोटा सा हनुमान जी का फार्मूला बताऊंगा, आप अपने बच्चों के द्वारा उसका प्रयोग करें और करवाएं, फिर देखें चमत्कार। पहली शर्त यह है, जो भी हनुमान जी की साधना करना चाहता है उसको मांसाहारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांस मछली अंडा और ये इन चीज़ों का सेवन राक्षस लोग करते थे, ये देवताओं का भोज्य पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, मांस मछली अंडा भी खूब दबा के खा रहे हो, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, ये बड़ा दुविधाजनक और ख़तरनाक हो सकता है, आपके अंदर और विकृति आ सकती है। दूसरी बात, आपके लिए जो भी ये साधना हनुमान जी की, किसी भी प्रकार की साधना करना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर शादीशुदा भी हो और जब अनुष्ठान में चल रहे हो, तो उस समय वीर का संरक्षण बहुत आवश्यक है, समझ रहे हैं ना। अन्यथा जैसे कि बिजली का ट्रांसफार्मर होता है और उसका अगर तेल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, तो विद्युत जो होती है ट्रिपिंग करने लगती है, या फिर ट्रांसफार्मर फूक जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके वीर की ऊर्जा आपके शरीर में से बाहर लगातार निकाल रहे हो और हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे हो, उनको बस में करना चाह रहे हैं, तो तुम पगला भी सकते हो, क्योंकि उनसे प्राप्त हुई ऊर्जा को तुम्हारा दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं कैसे झेल पाएंगे उस विद्युत ऊर्जा के लिए, या हनुमान जी की शक्ति कही है या उसके लिए विद्युत ऊर्जा कही है, एक्स्ट्रा एनर्जी को कैसे झेल पाएंगे आपके ज्ञान तंतु, आपके प्राण तंतु। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि शरीर के अंदर तेल होना ज़रूरी है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर तेल होना बहुत ज़रूरी होता है बिजली के, ठीक है। तो जो अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, बल और बुद्धि से संपन्न, चतुर, समझदार बनाना चाहते हैं, तो वो इन दो नियमों का पालन जरूर अपने बच्चों से कराएं, या जो खुद करना चाहते हैं वो भी करें। चमेली का तेल, अब चलते हैं साधना की ओर। चमेली का तेल आता है वो सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे के समय, सूरज निकलने से पहले तक, या फिर जो सूरज निकलने के बाद भी इसको कर सकते हैं, उसका दीपक जलाएं चमेली के तेल का, और उसके सामने बैठ करके उत्तर दिशा को मुंह करके एकांत में, बंद कमरे में, आपको ये हनुमान चालीसा की ये चौपाई को 108 बार कम से कम जपना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। माला तुलसी की ले लेना। एक बार फिर बोलता हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह हौले हौले जपना है, धीरे धीरे जपना है आपके लिए, किसी और को सुनाई नहीं दे, और कोशिश रहे उस कमरे में किसी अन्य की एंट्री ना हो जब तक आप साधना कर रहे हो। अपना साधना का आसन सुरक्षित रखें, उस पर कोई और ना बैठे, आप इसका प्रयोग करें। शाम को भी आपके पास समय है तो कर सकते हैं 108 बार। अगर इसको सिद्ध करना चाहते हैं तब 1008 बार इसका जप करना होगा, और दशांश से आहुति देनी होगी हवन में, ब्रह्मचर्य का पालन, खान पान का सब कुछ का ध्यान। और आप नहीं कर सकते हैं तो किसी के द्वारा अपने बच्चे के लिए जपवा भी सकते हैं, वरना खुद बच्चा जपे तो ज़्यादा बेहतर है, जो करना चाहता है। आप इसका प्रयोग करिए। कब तक जपना है ये सब बेकार की बात, आप खाना कब तक खाते हो, जब तक जिंदा रहते हो, ऐसी आराधना भी जीवन के अंतिम श्वास तक करना चाहिए। यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आराधना हनुमान जी की है,
देवी जी की है, बगुलामुखी की है, कि काल भैरव की है, बटुक भैरव की है, महाकाली की है। ये महत्वपूर्ण नहीं है किसकी साधना जीवन भर करनी है, जिससे आपका लगाव हो उसकी साधना जीवन भर थोड़ी बहुत नियमित चलती रहना चाहिए, तभी वो सिद्धि आपके पास टिकेगी। दूसरी बात, जो निराकार साधक हैं, ध्यान से जुड़े हुए, प्राणायाम से जुड़े हुए, उनको भी जीवन भर अभ्यास की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपकी ऊर्जा क्षीण होती चली जाएगी, शक्ति आपसे दूर होती चली जाएगी। शक्ति माने भक्त और भगवान का संपर्क में बने रहना आवश्यक है। इस चौपाई का, इस चौपाई मत कहो, इसे मंत्र कहिए। मंत्र का मतलब केवल संस्कृत में होना नहीं है, मंत्र का अर्थ होता है एडवाइस या सलाह। तो ये मेरा मंत्र है। और जो लोग कभी कभी, कई सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमें आपसे दीक्षा चाहिए, तो अभी दीक्षा का कार्यक्रम सबके लिए द्वार नहीं खुले हैं, हमारी दीक्षा के द्वार, वो समय आगे चल के पता चलेगा। बाकी अगर आपकी जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, विश्वास है, या जो पसंद है, आप उसे गुरु मान सकते हैं। और बाकी तो आप हनुमान जी की साधना करिए, जिसकी भी करते हैं करते हैं। एकलव्य की तरह आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं, बस आपकी श्रद्धा भावना क्लियर, स्पष्ट और प्रगाढ़ होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हनुमान प्रेमी हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, आस्था रखते हैं, उनके लिए कुछ नया मार्ग खुले। ठीक है, ओम।